प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस थैंक यू रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम आई एम मिसेस उम्मे कुलसुम नफीसा असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेटल टाउन भावलपुर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग एडमिशन इन ई डी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट बैच ऑफ सेमेस्टर सिस्टम ग्रेजुएट्स सेमेस्टर सिस्टम इससे पहले सिर्फ यूनिवर्सिटी में होता था अब कॉलेजेस लेवल पर भी इसको शुरू किया गया है पहले जिसको हम बी ए और बी एस सी कहते थे वो दो सलाह प्रोग्राम होता था जैसे थर्ड ईयर में पहला सालाना इम्तहान लिया जाता था और फिर फोर्थ ईयर में भी सालाना इम्तहान होता था अब ना सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया गया है बल्कि स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी नया नाम इसका एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम रखा गया है जैसा कि आप जानते हैं और अगर आप आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं तो ये एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स कहलाएगा यानी ए ए और अगर आप साइंस में एडमिशन लेते हैं तो फिर ये कहलाएगा एसोसिएट डिग्री इन साइंस यानी ए डी एस स्कीम ऑफ स्टडीज़ चेंज करने से मुराद ये है कि पहले आप सालाना इम्तहान देते थे यानी साल पूरा पढ़ने के बाद आपके एग्जाम्स होते थे लेकिन अब जो है आप सेमेस्टर सिस्टम के तहत इसको पढ़ेंगे सेमेस्टर सिस्टम से मुराद ये है कि पहले आप इसमें दो साल प्रोग्राम तो ये दो साल ही होगा लेकिन इसमें चार समेस्टर्स होंगे आ, पहले दो सेमेस्टर्स में आपको छः छः सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ करने पड़ेंगे और पहले तो ये था कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते थे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट से पढ़ते थे और साइंस के स्टूडेंट्स साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ते थे लेकिन ये जो ए डी ए है या ए डी एस है इसमें चाहे स्टूडेंट्स आर्ट्स के हों चाहे साइंस के वो नेचुरल साइंस में से एक सब्जेक्ट लाजमी चुनेंगे और एक सब्जेक्ट लाजमी सोशल साइंसिस में से चूज़ करेंगे और एक सब्जेक्ट वो लेंगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में से यानी ये इनके हो गए तीन सब्जेक्ट्स और तीन सब्जेक्ट्स इनके होंगे कंपलसरी टोटल हो गए छः सब्जेक्ट्स इसी तरह सेकेंड uh, सेमेस्टर में भी छः सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे यानी एक सोशल साइंस में से एक नेचुरल साइंस और एक आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में से और इसी तरह तीन जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होंगे ये दो सेमेस्टर्स जो हैं ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम होंगे फ़र्क कहाँ पर होगा तीसरे और चौथे सेमेस्टर में जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो तीसरे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट अपना साइंस का पढ़ेंगे और फोर्थ सेमेस्टर में पाँच के पाँच जो सब्जेक्ट्स होंगे पाँच के पाँच पेपर्स जो होंगे वो उनके उसी सब्जेक्ट में होंगे जिसमें उन्होंने ए डी एस करना होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने केमिस्ट्री में करना होगा तो एक सब्जेक्ट वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे और पाँच और पाँच जो हैं वो आप फाइनल यानी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे जैसे अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन में एडीए करना चाहते हैं तो एजुकेशन की एक बुक वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे और बाकी पांच बुक्स जो हैं वो उसकी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे अब ये जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें नेचुरल साइंसेज में से आपको एक सब्जेक्ट लेना है और एक सोशल साइंसिस में से और एक आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में से नेचुरल साइंसेज में से आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम फर्स्ट सेमेस्टर में वो है एवरी डे साइंस तो चलिए शुरू करते हैं हाँ जी सबसे पहले आपके जहन में सवाल ये आएगा कि हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम साइंस क्यों पढ़ेंगे तो जनाब चूंकि आप जानते हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसलिए सबको साइंस की बेसिक्स पता होनी चाहिए तो आज हम शुरू करेंगे एवरीडे साइंस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम देखेंगे साइंस क्या है और उसकी कितनी ब्रांचेज हैं और एवरीडे साइंस क्या होती है जो हमने आगे पढ़नी है सबसे पहले हम देखते हैं साइंस साइंस क्या चीज़ है साइंस इज डराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड साइंशिया मीनिंग नॉलेज यानी साइंस जो है ये एक लातीनी जुबान के लफ्ज साइंशिया से निकाला गया है जिसका मतलब है नॉलेज यानी जानना ठीक है अब नॉलेज किस तरह की यानी वर्ड टाइप ऑफ नॉलेज अब हमें इसकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी यानी नॉलेज क्या है यानी ये जो साइंस है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है तो डेफिनेशंस इसकी दो हैं वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं लेकिन जो कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ यानी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी एक किसी खास मौजू पर सिस्टेमेटिक नॉलेज अब सिस्टेमेटिक नॉलेज से क्या मुराद है कि ऐसी नॉलेज ये अब अगली डेफिनेशन है यानी द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन यानी ऐसी नॉलेज ऐसा इल्म जो हासिल किया जाए और एक्सपेरिमेंटेशन से यानी तजुर्बात से फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में ये देखा गया कि मलेरिया जो है वो फैलता है मच्छरों के काटने से अब ये कैसे मच्छरों के काटने से फैलता है मच्छर में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मलेरिया का शिकार होता है इंसान उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए तजुर्बात किए गए कि जिससे ये पता चला कि उसके मच्छर के अंदर असल में एक छोटा सा जरासीम होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम जो कि वो वायरस है और ये फैलाता है आ, मलेरिया को अब ये साइंस कहलाती है यानी द नॉलेज गेंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस ठीक है अब इसका पुराना नाम जो है साइंस का वो नेचुरल फिलासफी भी रखा गया इसको नेचुरल फ़िलासफी पहले कहते थे बाद में हमने इसका नाम साइंस रखा अब साइंस की जो मेन दो ब्रांचेज हैं जो टाइप्स हैं वो क्या है नेचुरल साइंस और दूसरी सोशल साइंस जी अब हम देखेंगे नेचुरल साइंस क्या चीज़ है नेचुरल साइंस के लिए याद रखिएगा एक लफ्ज़ फिजिकल अब फिजिकल से क्या मुराद है मादी मादी वजूद यानी मादा अब फिज़िकल से मुराद ये है ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकें जिसको हम टच कर सकें छू सकें जैसे मिसाल के तौर तो पे ये मेरे हाथ में बॉल पॉइंट है इसको मैं देख सकती हूँ आप भी देख सकते हैं इसको हम हाथ भी लगा सकते हैं तो ये फ़िज़िकल है तो नेचुरल साइंस क्या चीज़ है फिज़िकल वर्ल्ड यानी इस मादी दुनिया और इस मादी दुनिया में होने वाले जितने भी मज़ाहिर हैं यानी कुदरती जो हैं वाक्यात जो वनुमा होते हैं उनको हम उनकी स्टडी को हम कहते हैं नेचुरल साइंस यानी नॉलेज ऑफ द फिज़िकल वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमिना इज़ कॉल्ड नेचुरल साइंस अब मादी दुनिया और इसमें होने वाले कुदरती मज़ाहिर इससे क्या मुराद है जैसे दिन और रात का बनना जैसे बादलों का बनना जैसे सीजन्स का आना ठीक है इसी तरह हमारी जिस्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी भी फिज़िकल वजूद रखती है मादी वजूद रखती है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो तमाम के तमाम या पौधों के अंदर जानवरों के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो तमाम के तमाम क्या है नेचुरल फिनोमिना अब नेचुरल साइंस जो है अब उसकी दो टाइप्स हैं जैसे फिज़िकल साइंस और लाइफ साइंस ठीक है लाइफ साइंस जैसा कि नाम से जाहिर है लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं लाइफ साइंस अब लाइफ साइंस जो हैं वो तीन हैं जैसे बायोलॉजी बॉटनी जोलॉजी बायोलॉजी का इल्म होता है जानदारों का इल्म और बॉटनी होती है जानदार आपको पता है दो तरह के होते हैं पौधे और जानवर तो पौधों के इनको हम स्टडी करते हैं बॉटनी में और जानवरों के इनको हम स्टडी करते हैं जोलॉजी में इसी तरह फिज़िकल साइंस जो है फिज़िकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स यानी हम क्या करते हैं हम मादी चीज़ों को जो कि नॉन लिविंग हैं उनको हम स्टडी करते हैं जैसे Uh, मादा और उसमें होने वाली तब्दीलियाँ केमिकल रिएक्शंस तो इसके लिए जो बेसिकली नेचुरल साइंसिस में सब्जेक्ट्स हैं वो फ़िज़िक्स है केमिस्ट्री है मैथमेटिक्स है जोग्राफ़ी है एंड सो ऑन उसके बाद नेक्स्ट है सोशल साइंस सोशल साइंसिस के लिए एक लफ्ज़ याद रखिएगा नॉन फिज़िकल नॉन फिज़िकल मीन्स यानी गैर मादी अब गैर मादी चीज़ें क्या होती हैं गैर मादी वजूद रखने वाली जैसे फीलिंग्स होती हैं जैसे होते हैं हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा है खौफ है ये तमाम क्या हैं ये नॉन फिज़िकल है तो सोशल साइंस जैसे हमारा बिहेवियर है ये भी एक गैरमरीई चीज़ है गैर मादी है जो कि नज़र नहीं आता तो सोशल साइंस क्या होगी ऐसी साइंस जिसमें हम सोसाइटी यानी इंसानों का माशरा और इसमें इसमें इम्प्रूवमेंट हम किस तरह से बेहतरी किस तरह से ला सकते हैं उसको स्टडी करते हैं यानी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स इम्प्रूवमेंट ठीक है अब सोशल साइंसेस जो हैं इसकी भी बहुत सारी टाइप्स uh, हैं इसमें दो की मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी आपको जैसे एक है सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी क्या होती है जिसमें हम माशरे में रहने वाले अफ़राध उनके आपस के रिलेशंस और इन रिलेशंस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है उसके मुताबिक स्टडी करते हैं इसी तरह फिर साइकोलॉजी है जैसे साइकोलॉजी में क्या हम करते हैं ये आ, जो इंसानी जहन है Uh, उसके uh, उसको स्टडी करते हैं हम और उसके जो फंक्शंस हैं यानी बिहेवियर जो है उसको स्टडी करते हैं हम कह सकते हैं द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप इज स्टेड इन साइकोलॉजी अब ये दोनों जो ब्रांचेस की मैंने आपको एग्जांपल दी ये किसकी है सोशल साइंसिस की ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं एवरीडे साइंस अब नेचुरल साइंसिस में हमने देखा कि इसकी टाइप्स हैं जैसे एवरीडे साइंस है एन्वामेंटल uh, साइंस है अर्थ साइंस है ज्योग्राफी है फिजिक्स है केमिस्ट्री है मैथमेटिक्स है हमने पढ़ना है एवरीडे साइंस अब एवरीडे साइंस क्या है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फ़िनिना यानी कुदरत यानी ये जो दुनिया है कुदरत है कायनात है नेचर और उसके अंदर जो होने वाले नेचुरल फ़िनिना है यानी कुदरती मज़ाहिर जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने कहा कि स्टडी ऑफ नेचर जैसे मिसाल के तौर पे हम स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ यूनिवर्स देखेंगे इसमें यानी कायनात की साख्त और कायनात किससे मिलकर बनी है कायनात में क्या क्या शामिल है गलेक्सीज हैं सोलर सिस्टम है हमारा निज़ाम शमसी सितारे हैं स्यारे हैं ये तमाम क्या चीज़ें हैं ये नेचर की स्टडी हम कर रहे हैं यानी कायनात की स्टडी कर रहे हैं ये तमाम के तमाम आएंगे एवरीडे साइंस में दूसरा मैंने लफ्ज़ कहा था नेचुरल फिनोमिना नेचुरल फिनमिना यानी कुदरती मज़ाहिर अब कुदरती मज़ाहिर क्या हैं डे एंड नाइट फॉर्मेशन है, है यानी दिन और रात कैसे बनते हैं एंड देयर वेरिएशन किस तरह बदलते हैं वो प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन फ़िजियोलॉजी अब प्लांट्स एनिमल्स क्या हैं यानी uh, पौधे और जानदार ये किन चीज़ों से मिलकर बने हैं इनके अंदर कौन कौन से अवामिल होते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी इंसान की बॉडी किस तरह से फंक्शनिंग करती है किस तरह से काम करती है ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन एवरी डे साइंस तो स्टूडेंट्स ये था एवरी डे साइंस का हमारा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्ट्री लेक्चर उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इन शह नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा हाज़िर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़